विद्या बालन ने कहा, महिलाएं कुछ भी करें, उन्हें टाइपकास्ट किया जाता है। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। फिल्म मिशन मंगल के रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी है। कई सितारों से सजे इस फिल्म को लेकर बी टाउन में काफी चर्चा है। पिछले दिनों फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस विद्या बालन, तापसी पन्नू और नित्या मेनन को लेकर ऑडियंस के नजरिए पर चर्चा की। इस दौरान एक्ट्रेस विद्या बालन ने कहा कि महिलाएं कुछ भी करें, उन्हें टाइपकास्ट कर दिया जाता है। ये हास्यास्पद है। उदाहरण देते हुए विद्या ने कहा कि जब कोई एक्ट्रेस फिल्म में 5 सीन और 3 गाने करती है तो लोग कहने लगते हैं कि वो सिर्फ लाइट स्टफ करती है, कोई गंभीर रोल ही नहीं करती। जब वो सीरियस फिल्म में या फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में ठोस रोल प्ले करती है तो उन पर सीरियस एक्ट्रेस होने का टैग लगा दिया जाता है। जब मैंने अपना वजन घटाया तो लोग कहने लगे कि मैंने अपना चार्म खो दिया है। मैं सोचती हूँ कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, जबकि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत ही मेहनत की है। मुझे लगता है कि समाज महिलाओं में कमियां निकालना चाहता है, इसीलिए ही महिलाएं ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती। पिंक और मुल्क जैसी महिला केंद्रित फिल्मों में काम करने के अलावा एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने जुड़वा 2 फिल्म में अपने लाइट कैरेक्टर को भी बखूबी निभाया था। उनका कहना है कि एक बार जब हम किसी चीज को सफलतापूर्वक करने लगते हैं तो लोग हमसे वही उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन मैं इसे बोझ नहीं समझती क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी ऑडियंस बनाने में हमने बहुत ही मेहनत की है, उन्हें हमसे बेहतर एक्टिंग की उम्मीद होगी ही। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सालों तक हमारी फिल्मों ने महिलाओं को एक अलग ही तरीके से पेश किया है, इसीलिए लोगों को एक्ट्रेसेस से कम ही उम्मीदें होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बदल गई है और इसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। पिंक और उरी में अहम किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने कहा कि अगर स्क्रिप्ट मेरी भूमिका की तुलना में बहुत बड़ी है तो भी मैं एक कमर्शियल फिल्म में एक ग्लैम डॉल की तरह नजर आने से नहीं कतराऊंगी, लेकिन फिर मैं इसे तभी करूंगी जब ये मुझे दूसरे कामों को आगे बढ़ाने में मदद करे जहां मैं एक अहम कहानी का हिस्सा हूं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस नित्या मेनन ने कहा कि एक एक्ट्रेस के तौर पर मैंने जिन फिल्मों को चुना है वो अलग है और मैं हमेशा अपनी समझ और मानक के अनुसार चलती हूँ। मुझे पहले भी हिंदी फिल्में ऑफर की गई थी, लेकिन जब कहानी की बात आती है तो वो मेरी सेंसिबिलिटी से मैच नहीं खाते। जब आर बाल्की सर ने मुझे मिशन मंगल की कहानी सुनाई तो मुझे कहानी में मेरे लिए एक विशेष भूमिका नजर आई, हालांकि ये फिल्म मल्टी स्टारर है। बता दें कि मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, शर्मन जोशी और सोनाक्षी सिन्हा भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।